19 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत स्टेशन का शिलान्यास व लोकार्पण राष्ट्र को समर्पण 41,000 करोड़ की लागत से किया जाएगा। 73 रेलवे स्टेशनों का किया जा रहा है पुनः विकास। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु कक्षा 6 व कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा का महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में किया गया आयोजन। छात्र व छात्राओं ने लिया भाग, कहा पेपर हुआ अच्छा हो जाएंगे पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विद्युत सेवा आयोग के निष्पक्ष एवं पारदर्शी परिधि प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कमिश्नरी सभागार में मंडल के 78 अभ्यर्थियों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा सौंपा गया नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया धन्यवाद। भाजपा के पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने राहुल गांधी के यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने पर कहा कि ये लोग जब चुनाव आता है तभी निकलते हैं बाहर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भाजपा को नहीं होगा कुछ नुकसान। जीडीए के द्वारा लच्छीपुर में अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। जीडीए उपाध्यक्ष ने जल्द से जल्द जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने का दिया निर्देश।